आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। देखिए पूरी रिपोर्ट। वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे भारत में किए गए लॉकडाउन का अनुपालन व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ न्यू इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट संस्थापक व क्षेत्रवासियों की तरफ से लॉकडाउन में लगातार जरूरतमंदों और गरीबों की सहायता की जा रही है। इसी क्रम में न्यू इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा मुस्तैद अदलहाट पुलिस व मीडिया कर्मियों का क्षेत्रवासियों द्वारा गश्त के दौरान पुष्प वर्षा व अंग वस्त्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। संस्थापक ने बताया कि पुलिस कर्मी व डॉक्टर दिन रात आम जनता की सुरक्षा में लगे हैं। उन पुलिस कर्मियों का सम्मान संस्था क्षेत्रीय लोगों द्वारा पुष्प वर्षा व माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर दीपक जायसवाल, अनिल जायसवाल, सतीश चंद्र मिश्रा, प्रभाकर गुप्ता, विपिन गुप्ता, नवीन गुप्ता व अन्य सहयोगी मौजूद रहे। मिर्जापुर से सूरज केशरी की रिपोर्ट। आज जो कोरोना वायरस से संबंधित आपने पुलिस कर्मियों को स्वागत किया है, ये इसके पर आप क्या निर्देश देना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन हम कोरोना में हम लोग को जनता के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन के लिए हम लोग फूल वर्षा और उनका माल अर्पण करके और अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान किया। ये संस्था कितने दिनों से कार्यरत है? ये पिछले साल से काम इसका चल रहा है और कोविड-19 में हम लोग इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दरअसल इस वैश्विक महामारी में जिस तरह से हमारे डॉक्टर और पुलिसकर्मी मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ के हमारी रक्षा के लिए, सेवा के लिए दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी संस्था द्वारा जो भी लोग हैं और लाट पूरा मार्केट मिलके उनका एक छोटा सा सम्मान उनके मेहनत के लिए, उनके सेवा के लिए पुष्प अर्पण और माल्यार्पण करके उनको एक अंग वस्त्र अर्पित किया गया।